वेलकम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट सिमिलर ऑडियंसेस तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिमिलर होती क्या है सी अगर आपने फेसबुक पे कभी एड्स रन किए हैं तो आपको पता होगा फेसबुक में एक चीज होती है लुक अलाइक ऑडियंस जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है सो लुक अलाइक ऑडियंस करती क्या है बेसिकली कि आपके पास एक सीड ऑडियंस होती है राइट right? एक ऐसी ऑडियंस की लिस्ट होती है जिसने आपके साथ पहले कोई बिजनेस किया है या आपकी वेबसाइट विजिट की है या आपके साथ एंगेजमेंट किया है या किसी भी टाइप का एक्शन लिया है आपकी वेबसाइट पे तो सबसे पहले आप काम क्या करते हो सबसे पहले आप उन ऑडियंसेस की एक लिस्ट बनाते हो राइट right? देन आप क्या करते हो आप एक ऑडियंस बनाते हो दैट इज कॉल्ड लुकअलाइक ऑडियंस लुकल आइक ऑडियंस अब ये लुकल आइक ऑडियंस क्या करती है तो ये जो लुकल आइक ऑडियंस होती है ये जो आपकी सीड ऑडियंस होती है जो आपकी मेन ऑडियंस होती है उसी के जैसे सिमिलर ऑडियंस आपके लिए बना देती है राइट right? तो सपोज करो आपके पास आ, हजार कस्टमर्स की लिस्ट है राइट right? और आपको अब इन्हीं हजार लोगों जैसे और लोग चाहिए तो आप उसके लिए सिंपल क्या बना लेते हो लुक अलाइक ऑडियंस इन्हीं हजार लोगों जैसे और लोग फेसबुक आपको बना के दे देता है तो जैसे फेसबुक में लुक अलाइक ऑडियंस होती है सिमिलरली गूगल के अंदर क्या होती है सिमिलर ऑडियंसेस तो सिमिलर ऑडियंसेस बनाने के लिए पहला काम क्या करना होता है कि आपको बनाना होता है ऑडियंस राइट right? तो जैसे आपको पहले पता ही है हमने बड़ी सारी ऑडियंसेस बनाना सीखा था है ना तो हमने गूगल एनालिटिक्स में भी ऑडियंस बनाना सीखा था और फिर हम उस ऑडियंस को अपना इंपोर्ट कर लेते थे गूगल एड्स के अंदर सिमिलरली हमने गूगल एड्स के अंदर भी ऑडियंस बनाना सीखा था ठीक है सो so, स्टेप तो हमने कर लिया कि हमने ऑडियंस बना ली अब जो स्टेप टू है दैट इज सिमिलर ऑडियंस उसमें आपको कुछ करना ही नहीं फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हो ये एक अकाउंट uh, है मेरा पुराना यहाँ पे मैंने जैसे कुछ ऑडियंसेस बनाए रखी है है ना ये थैंक यू पेज पर जो भी गए जिन्होंने एंगेज किया है लास्ट फाइव फोर्टी डेज में प्लस ऑल यूजर्स तो ये मैंने ऑडियंस की लिस्ट बनाई राइट right? अब गूगल क्या करेगा गूगल ऑटोमैटिकली इनके जैसे मेरे को सिमिलर ऑडियंस बना के दे देगा ऑटोमैटिकली गूगल आपके लिए सिमिलर ऑडियंस बना के दे देगा आपको मैन्युअली सिमिलर ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है फेसबुक में जैसे हम मैनुअली सिमिलर ऑडियंस बनाते हैं गूगल के अंदर आपको मैनुअली सिमिलर ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है तो गूगल आपके लिए सिमिलर ऑडियंस कब बनाएगा तो गूगल आपके लिए सिमिलर ऑडियंस तभी बनाएगा जब आपकी जो सीड ऑडियंस है आपकी जो मेन ऑडियंस है उसमें उस लिस्ट में एटलीस्ट हंड्रेड लोग होने चाहिए ठीक है जी कितने लोग होने चाहिए एटलीस्ट हंड्रेड अगर उसमें एटलीस्ट हंड्रेड लोग नहीं है तो गूगल आपके लिए सिमिलर ऑडियंस नहीं बनाएगा ठीक है जी तो एटलीस्ट हंड्रेड लोग आपकी सीड ऑडियंस के अंदर होने चाहिए अब सवाल ये उठता है कि क्या सिमिलर ऑडियंसेस से रिजल्ट अच्छे आते हैं हाँ बिल्कुल अच्छे आते हैं मैंने सिमिलर ऑडियंसेस को काफी टेस्ट किया है सो सिमिलर ऑडियंसेस से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं प्लस जैसे जैसे आपकी जो सीड ऑडियंस है वो अपडेट होती जाएगी गूगल जो है वो आपका सिमिलर ऑडियंस को भी क्या करता रहेगा ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है राइट right? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट करना क्या है जब भी आप एड बनाओगे तो वहां पर आप कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट कर सिमिलर ऑडियंस बहुत ही आसान फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखा देता हूं Say, यहाँ पे मैं जाता हूं कैंपेन्स के अंदर और यहां से मैं यहां पे करता हूं न्यू कैंपेन ठीक है जी और सपोज मैं करता हूं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल और यहां पे मैं लेता हूं डिस्प्ले और यहां मैं ले लेता हूं स्टैंडर्ड डिस्प्ले और यहां से मैं करता हूं कॉन्टिन्यू और देखो आप सिंपल जैसे ऐड बनाते हो वैसे बनाते जाओगे जस्ट आपको करना क्या है जब आप जाओगे ऑडियंसेस के अंदर यहां पे आए आप ऑडियंसेस के अंदर आप जाओ ब्राउज में और यहां पे देखो आपके पास ऑप्शन है री मार्केटिंग लिस्ट एंड सिमिलर ऑडियंस ठीक है अब आप जब सिमिलर ऑडियंस में जाओगे तो देखो ऑडियंस दिख रही है सिमिलर और सिमिलर टू टू एडवर्ड्स एडवर्ड्स और ऑल विजिटर एड़्वर्थ. अब यही दो ऑडियंस है तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो जिस ऑडियंस को भी से आप इसको दिखाना चाहते हो सिमिलर टू ऑल विजिटर्स तो आप यहां से इनको सेलेक्ट कर लोगे ठीक है ये वेबसाइट विजिटर क्या है जो नॉर्मल आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं ठीक है तो यहां पे आप सिमिलर ऑडियंसेस में जाके इस ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो और आप इसे एड दिखा सकते हो राइट right? यहां पे आपकी बाकी ऑडियंसेस आ रही हैं इन कस्टम इंटेंट और बाकी जो हम क्रिएट करते हैं यहां पे आपकी सिमिलर ऑडियंस आ रही है आप यहां से अपनी सिमिलर ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो और उसे ऐड दिखा सकते हो ठीक है जी बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करनी होती सिमिलर ऑडियंस गूगल आपके लिए खुद क्रिएट कर देता है इसलिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट जब आप एड बना रहे हो तो जरूर आप वहां पर सिमिलर ऑडियंस को सेलेक्ट कर लोगे राइट एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार सिमिलर ऑडियंसेस जरूर टेस्ट करो मैंने सिमिलर ऑडियंसेस मल्टीपल कैंपेन्स के लिए टेस्ट किए हैं इन द पास्ट और जो रिजल्ट है वो वाकई अच्छे मिलते हैं फ्रॉम सिमिलर ऑडियंसेस तो आई रेकमेंड कि आप सिमिलर ऑडियंस जरूर एक बार टेस्ट करिए ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेसन